જમ્મુ કાશ્મીરમાં પીડીપી અને ભાજપની જે ગઠબંધનવાળી સરકાર હતી આખરે ભાજપે સમર્થન પાછું ખેંચ્યું છે અને મહેબુબા મુફ્તીએ રાજીનામું પણ આપી દીધું છે. હવે જોવાનું રહેશે કે આગળ રાજનીતિ અને રાજકારણ કયા હદે જાય છે, કારણ કે ચોક્કસથી ઘણા બધા ફેક્ટર્સ, ઘણા બધા સમીકરણો કામ કરી ગયા અને તેમાં પણ 2019 જ્યારે માથે છે ત્યારે જોવું રહેશે કે આગળ હવે શું થાય છે અને આ જે રાજકારણ છે જમ્મુ કાશ્મીરનું કઈ દિશા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, કારણ કે ભાજપ અને પીડીપીનું જે ગઠબંધન હતું તે હવે તૂટી ચૂક્યું છે. કાશ્મીરમાં હવે રાજપાલ શાસન લાગી શકે છે. અગર આપ લોગ ખામોશ નહીં હો સકતે તો ફિર હમ યે બંધ કર દેંગે. છોડ દીજે. બસ પ્લીઝ આપ જરા ખામોશ કર લીજે પ્લીઝ. જૈસા કે આપ બાકી નહીં આપણે. બસ પ્લીઝ જૈસે કે આપ સભી લોગ જાનતે હૈ આજ બીજેપી કી તરફ સે જો વિડ્રોલ ઓફ સપોર્ટ હુઆ ઉસકે બાદ મેને અપના રિઝિગ્નેશન જો હૈ ગવર્નર સાહેબ કો ભેજ દિયા હૈ. हमने ये जो अलायंस हमारी बीजेपी और पीडीपी की थी ये बहुत ही सोच समझ के, हालांकि लोगों के मिजाज के मुखालिफ था, ये हमने एक बड़े विजन के तहत मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने ये अलायंस किया था, ये सोच के कि बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है और प्राइम मिनिस्टर को एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला है. जो जम्मू कश्मीर के लोग जिस मुसीबत में फंसे हैं उस मुसीबत में से बाहर निकालने के लिए જો સેન્ટ્રલ ગવર્નમેન્ટ મેં એક બડી તાકતવર પાર્ટી હૈ ઉસકે સાથ હમને હાથ મિલાયા ઓર હમે કઈ મહિને લગે એક આપસ મેં એક તાલમેલ એક એજન્ડા ઓફ અલાયન્સ બનાને કા જિસકા બેસિક મકસદ યે થા રિકન્સિલેશન યાની જમ્મુ કશ્મીર મેં રિકન્સિલેશન ડાયલોગ યહાં કે જમ્મુ કશ્મીર કે લોગો કે સાથ ડાયલોગ યહાં કોન્ફિડન્સ બિલ્ડિંગ મેજર્સ પાકિસ્તાન કે સાથ એક અચ્છા રિશ્તા યે હમારે જો એજન્ડા ઓફ અલાયન્સ કા યે મકસદ થા ઓર ઇસમે કશ્મીર મેં સપોર્ટ મિલા ઉસ વક્ત સબસે બડા એપ્રેન્શન જો જમ્મુ કશ્મીર કે લોગો કે દિલો મેં થા ખાસકર વાદી કશ્મીર મેં વો યે થા કે 370 સબસે બડા એપ્રેન્શન થા 370 કો લેકે હમારે સ્પેશિયલ સ્ટેટસ કો લેકે ઓર હમને પિછલે 3-4 સાલ જિસ તરહ સે 370 કો 35A કે ખિલાફ હમને કોર્ટ મેં ઉસકો ડિફેન્ડ કિયા ઓર 370 કી પોઝિશન કો પૂરી તરહ સે હમને ઉસકા દફા કિયા. ઇસકે અલાવા કોન્ફિડન્સ બિલ્ડિંગ મેજર કે હવાલે સે 11,000 નૌજવાનો કે ખિલાફ હમને કેસિસ વિડ્રો કિયે. હમને યહાં યુનિલેટરલ સીઝ ફાયર કરવા દિયા. હમને યહાં નોટ લેસ દેન ધ હોમ મિનિસ્ટર કી લેવલ સે
डायलॉग का एक ऑफर यहाँ दी गई और हमारा जो पीडीपी का जो मकसद था रिकंसिलिएशन का, जो हमारा मुफ्ती साहब का ख्वाब था कि यहाँ डायलॉग होना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमारा हमेशा ये मानना रहा है जम्मू कश्मीर में मस्कुलर पॉलिसी नहीं चल सकती, जम्मू कश्मीर में वी कांट ट्रीट जम्मू कश्मीर एज एन एनिमी टेरिटरी, ये हमारे दुश्मनों की टेरिटरी नहीं है, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की टेरिटरी है, इसलिए यहाँ मस्कुलर पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकती है। और यही वजह है कि हमने यहाँ यूनिलेटर सीज फायर किया था, जिससे यहाँ लोगों को काफी सुकून मिला था, काफी आराम मिला था, यहाँ लोगों में बहुत सालों के बाद एक इत्मीनान हुआ था, लोग फिर रहे थे, घूम रहे थे, पर अनफॉर्चुनेटली उसका दूसरी तरफ से मुतबादल जवाब नहीं आया और कहीं ना कहीं जो कोशिश थी दूसरी तरफ की कि सीज फायर खत्म होना चाहिए, उसमें सीज फायर खत्म हो गया। मगर हमारा ये मानना है, हमारा ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो पीडीपी का एजेंडा है हीलिंग टच पॉलिसी का, जो पीडीपी का एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए, यहाँ के लोगों से भी बात होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रास्ते खुलने चाहिए, उस पॉलिसी के बगैर कोई पॉलिसी नहीं है, मस्कुलर पॉलिसी या सख्ती की पॉलिसी यहाँ नहीं चल सकती। और इसके अलावा हमने कोशिश की कि स्टेट की इंटेग्रिटी, स्टेट के जो जम्मू का रीजन है जहाँ बीजेपी के आने के बाद लोगों में जो माइनॉरिटी कमेटी है उसमें एक अदम तहफ़ का एहसास हुआ था, मगर हमने कोशिश ये भी की, जिसमें रसाना की एक मिसाल है कि किस तरह हमने उस केस को डील किया, इसी तरह काउ विजिलेंटिज्म का एक केस हुआ, उस वक्त सरकार ने कितना स्टैंड लिया, हमने कोशिश की जम्मू कश्मीर लद्दाख को इकट्ठा रहने की। और मुझे खुशी है कि हमारे वर्कर जिन्होंने बहुत कुछ सहा ग्राउंड लेवल पे, पीडीपी के वर्करों को जमीनी सतह पे बहुत तकलीफ सहनी पड़ी, मगर उसके बावजूद वो खड़े रहे, उन्होंने हमारा सपोर्ट किया और आज मुझे ये पूरा इत्मीनान है कि मुफ्ती साहब ने जिस मकसद और मुद्दे के लिए रिकंसिलेशन के लिए ये अलायंस किया था, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की सीज फायर करवा के, डायलॉग की ऑफर करवा के, यूथ के खिलाफ केसेस विड्रॉ करवा के, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और आगे भी हमारी कोशिश जारी रहेगी डायलॉग और रिकंसिलेशन। देखिए, मेरे लिए तो कोई चीज शॉक नहीं है, हमने तो ये अलायंस जो है पावर के लिए नहीं किया था, अगर पावर के लिए करना होता तो उस वक्त उमर साहब और कांग्रेस हमें सपोर्ट करना चाहते थे, इस अलायंस का बड़ा मकसद था। और वो बड़ा मकसद क्या, यूनिलेटरल सीज फायर, वो बड़ा मकसद क्या, डायलॉग की ऑफर, वो बड़ा मकसद क्या, प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान जाना, वो बड़ा मकसद क्या, 11,000 नौजवानों के खिलाफ एफ आई आर विड्रॉ करना, ये बड़े मकसदों के लिए हमने किया था, ये हमने खाली पावर पॉलिटिक्स के लिए नहीं किया। सो इट डजंट कम एज अ शॉक। इस गवर्नमेंट में खलीश आज की बात नहीं है, जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से इसमें खलीश थी, आज पहली बार नहीं है कि कहते हैं कि एजेंडा ऑफ अलायंस टूटना चाहिए, आज ऐसी क्या बात हुई? आजकल हमने पहले भी था, मैंने कहा एजेंडा ऑफ अलायंस पे रिकंसिलेशन, हमने कहा 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, हमने 4 साल तक कोई छेड़छाड़ नहीं होने दी, वो हमारे एजेंडे का पार्ट है, हमने कहा डायलॉग होना चाहिए, होम मिनिस्टर ने डायलॉग की ऑफर दी, हमने कहा यूनिलेटरल सीज फायर होना चाहिए, यूनिलेटरल सीज फायर एक महीने रहा, हमने स्टोन पेंटर्स के खिलाफ 11,000 एफ आई आर वापस ली, हमने तो सब कुछ किया। वो तो ठीक है, उन्होंने तोड़ी तो ठीक है ना, उन्होंने तोड़ी, उनका फर्क जो है, हम क्या कहते हैं, हमने तोड़ी तो तोड़ी, पर हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मैंने गवर्नमेंट साहब को अपना रिजिग्नेशन भेजा ये कह के कि हम कोई और जो है अलायंस एक्सप्लोर नहीं करना चाहते। बीजेपी ने इन्फॉर्म भी नहीं किया टेलीविजन के जरिए, ऐसी कोई बात नहीं है,
जो हमारा मकसद था ये सरकार के लिए हमने पावर के लिए अलायंस नहीं किया था, हमारा मकसद डायलॉग का था वो होम मिनिस्टर ने कहा, हमारा मकसद यूनिलेटरल सीज फायर का था वो होम मिनिस्टर ने कहा। तो जो हमारा मतलब था, जैसे प्राइम मिनिस्टर लाहौर चले गए बातचीत के लिए, हमने जो कहना था हमने 370 को बचाना था, हमने 3-4 साल उसकी पूरी हिफाजत की, इसलिए जो हमारा एजेंडा था हमने अपना एजेंडा पूरा किया। तो महबूबा मुफ्ती द्वारा पत्रकार परिषद योजवामां आवी हती अने साथे ज पत्रकार परिषदमां जणाव्युं के भाजप साथे समझी विचारीने गठबंधन कर्युं हतुं, अमारो एक ज एजेंडा हतो के जम्मू काश्मीरमां शांति स्थापाय अने रमजान मासमां सीज फायर पण अटकाव्यो हतो। पावर अने पॉलिटिक्स माटे आ कोई ज काम करवामां आव्या न हता, बस एक उद्देश्य ज के जम्मू काश्मीरमां शांति अने सद्भावना बनी रहे ते हेतुथी ज अमे रमजान मासमां सीज फायर अटकाव्युं हतुं अने अमारा प्रयासोथी थयुं पण खरुं, पण जम्मू काश्मीरमां पीडीपी अने भाजप वच्चे जे गठबंधन हतुं ते हवे तूटी चूक्युं छे, भाजपे समर्थन पाछुं खेंच्युं छे, पण महबूबा मुफ्तीए पत्रकार परिषद योजी अने कह्युं छे के अमारा प्रयासोथी जे सीज फायर अटक्युं छे, साथे ज घाटीमां जे शांतिना प्रयासो छे ते चालु ज राखवामां आवशे, जम्मू काश्मीरमां शांति स्थापाय ते अमारो उद्देश्य हतो। गठबंधन तूट्युं त्यारबाद राजीनामुं पण महबूबा मुफ्ती द्वारा आपी देवामां आव्युं छे।